तुलसी जी की कहानी। कार्तिक महीने में सब स्त्रियां तुलसी माता को सींचने जाती। सब तो सींच कर आती, परंतु एक बुढ़िया आती और कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहु दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, अच्छी मृत्यु दे, चंदन का काट दे, अच्छा राज दे, दाल भात खाने को दे और ग्यारस के दिन दे, कृष्ण का कांधा दे। तब तुलसी माता यह बात सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा, मेरे मन की मत पूछो। तब भगवान ने कहा कि अगर मैं यह बात नहीं पूछेगा तो कौन पूछेगा? तब तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, परंतु मैं सब बात तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से दूंगी? तो कृष्ण भगवान बोले कि जब उसकी मृत्यु होगी तो मैं उसे अपने आप कंधा दे आऊंगा, तू बुढ़िया माई से कह दियो। बाद में बुढ़िया माई की मृत्यु हो गई। सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए और बुढ़िया को ले जाने लगे तो वह इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठी। तब सबने कहा, यह तो इतनी पूजा पाठ करती थी, पाप नष्ट होने की माला फेरती थी, फिर भी भारी हो गई। बूढ़े ब्राह्मण के भेष में भगवान आए और सबसे पूछा कि यह कैसी भीड़ है? तब एक पुरुष बोला कि यह बुढ़िया मर गई, पापणी थी इसीलिए किसी से नहीं उठती। तो भगवान ने कहा, मेरे को एक बात कान में कहने दो तो उठ जाएगी। तो भगवान ने कान के पास जाकर कहा कि बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, वैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काट ले, झालर की झंकार, दाल भात को जीम और कृष्ण का कंधा ले। फिर यह बात सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई, भगवान जी अपने कंधे पर ले गए, आखिर उसे मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसी उसकी मुक्ति करी वैसी हमारी भी करना, और जैसे भगवान ने कंधा उसको दिया वैसा हमें भी देना।